नाशिक, धर्म, शास्त्र, कला और परंपराओं से परिपूर्ण शहर, नाशिक का अपना एक देशभक्ति का समृद्ध इतिहास भी है। हमारे शहर की सांस्कृतिक धरोहर अगली पीढ़ी तक पहुंचाने हेतु वर्ष 2018 में समान विचारधारा के कुछ मित्रों ने मिलकर एक बीज बोया, जिसका नाम है आयाम नाशिक। साहित्य, कला, इतिहास आदि विषयों पर वाचन, मंचीय प्रस्तुति तथा वैचारिक संगोष्ठी जैसे माध्यमों से अलख जगाने की आयाम नाशिक ने पहल की। संस्था के अध्यक्ष जाने माने डॉक्टर भरत केड़कर ने इस संकल्पना को साकार करने में बड़ी अहम भूमिका निभाई। आयाम नाशिक इस संस्था की नींव एक दृढ़ संकल्प पे आधारित है। हर कार्यक्रम, हर उपक्रम से समाज में कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन हो, सकारात्मक ऊर्जा पेश हो जाए। अनेक तरह के कार्यक्रम हो जाए, जैसे अक्षर बाग वाचन कट्टा हो, नहीं तो बहुत अच्छा हुआ गोदावरी संवाद जैसा उपक्रम हो। इसमें हमारा प्रयास ऐसा रहता है, क्योंकि आजकल दुनिया में झूठा मिथ्या विमर्श स्थापन करने के लिए कई लोग, कई संस्थाएं लगे हुए हैं, लेकिन आयाम नाशिक का कार्यक्रम ऐसा हो कि जिसमें सत्य सामने आ जाए, क्योंकि सत्य यही हमारा विमर्श है। द ट्रूथ इज आवर नैरेटिव। हर कार्यक्रम में सत्य हम सामने करते हैं और मिथ्या विमर्श को नलीफाई कर देते हैं। इस संस्था से जुड़े हैं विवेक बापट जी, जो सचिव है, शुभदा देसाई जी, मिलिंद कुलकर्णी जी, रमेश कनानी जी और एडवोकेट मंजुषा गुर्जर जी, जो ट्रस्टी है, अर्थात विभिन्न व्यवसाय में होते हुए भी सारे सदस्यों का एक ही लक्ष्य है, संस्था के उद्देश्य का सम्मान। अक्षरबाग वाचन कट्टा युवाओं में वाचन अभिरुचि बढ़ाने हेतु एक प्रमुख उपक्रम। इस उपक्रम में मराठी भाषा हो या संस्कृत, हर भाषा साहित्य अभिवाचन के प्रति युवाओं में खास उत्साह दिखाई पड़ता है। आयाम दुर्ग दुर्गा महिलाओं से प्रेरित, महिलाओं द्वारा आयोजित और केवल महिलाओं के लिए ट्रेकिंग एक्टिविटी, अर्थात गिर्यारोहण, जो वर्ष 2018 से हर महीने आयोजित की जाती रही है। 30 साल से 70 साल की उम्र तक हर महिला शुभदा जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य, शक्ति और साहस का अनुभव करते हुए आनंद प्राप्त करती है। वर्ष 2022 में अपनी परिसीमाओं को बढ़ाते हुए इन महिलाओं ने हिमालयन ट्रेक का यशस्वी आयोजन कर लिया, जो हर किसी के लिए यादगार रहा। आयाम नाशिक ने पहली बार महिलाओं के लिए विमेंस ड्राइव का आयोजन किया था। नाशिक की तमाम महिलाओं ने अपनी सहभागिता से जिसकी शोभा बढ़ाई। आयाम जागर ये उत्तम व्यक्तित्व विकसित करने हेतु संस्था द्वारा आयोजित एक प्रेरक और उद्बोधक व्याख्यान श्रृंखला है। इस श्रृंखला में प्रख्यात मनोविज्ञानी सुश्री आनंद नाडकर्णी जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा गांधी जी या नेताजी सुभाष चंद्र बोस आदि महनीय व्यक्तित्व के अतुल चरित्र का परिचय कराया। साथ ही समृद्ध राष्ट्र निर्माण उद्देश्य से कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर व्याख्यानों का आयोजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन उपाध्यक्ष माननीय श्री सुनील जी देवधर, ज्येष्ठ वार्ताहर भाऊ साहेब तोरसेकर जी, अभिनेता तथा लेखक योगेश सोमण जी आदि विचारवंतों के व्याख्यानों ने इस श्रृंखला को आगे बढ़ाया। आयाम अवलिया अपनी क्षमताओं को चुनौती देकर अलग राह अपनाने वाले खास लोगों को आमंत्रित कर उनसे वार्तालाप तथा उनके अनुभव साझा करने का ये मंच है। वर्ल्ड साइकिल एक्सपीडिशन के सुविख्यात श्री योगी जी, विश्व की अत्यंत कठिन आयरन मैन स्पर्धा विजेता तथा नाशिक के भूतपूर्व पुलिस आयुक्त माननीय श्री रविंद्र सिंघल जी व उनकी सुपुत्री राविजा जी, जो आशिया की सबसे कम उम्र में आयरन मैन खिताब जीतने वाली पहली महिला रही। संगीत वाद्य यंत्र ऑर्गन,
जो पहले मराठी संगीत नाटकों में प्रमुख वाद्य हुआ करता था, उसे पुनर्जीवित कर एक्सपोर्ट करने वाले डॉक्टर उमाशंकर दाते जी या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर सुश्री हेमल त्रिवेदी जी जैसे विभूतियों ने इस मंच की शोभा बढ़ाई। राष्ट्रहित में समर्पित राष्ट्र प्रथम विचार को केंद्र स्थान में रखते हुए दिसंबर 2023 में नासिक के पहले वेले लिट फेस्ट अर्थात लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन लेखिका शेफाली वैद्य जी की मार्गदर्शन में किया गया। इस मंच पर आज के नव माध्यमों से अपने हिंदुत्व विचार रखने वाले लेखक एडवोकेट जे साई दीपक जी, ज्ञानवापी केस और वक्फ बोर्ड के अभ्यासक एडवोकेट विष्णु जैन जी ने अपने विचार प्रस्तुत किए। साथ ही सोशल एक्टिविस्ट तुषार दामगुड़े जी, भरत अमदापुरे जी और अभिजीत जोग जी भी शामिल हुए थे। स्वतंत्र वीर सावरकर सम्मान इस कार्यक्रम का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा रहा। यहाँ देश सेवा और देश हित विचारधारा को प्रेरणा बनाने वाले किसी एक व्यक्ति विशेष को सम्मानित किया जाता है। इस श्रृंखला को अविरत रखते हुए हर साल गोदावरी संवाद लिट फेस्ट का आयोजन किया जाएगा। क्रांति सूर्य स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर जी का संपूर्ण जीवन एक प्रखर प्रेरणा का स्रोत रहा है, जिसकी अनुभूति कराने उद्देश्य से आयाम नासिक ने सुश्री मंगलाताई खाडिलकर जी द्वारा प्रस्तुत अनादिमी अनंतमी तथा सावरकर बंधुओं की पत्नियों की अति कष्टपूर्ण जीवनी को प्रदीप्त करने वाला त्यातिघी अर्थात वो तीन देवियां इस नाटक का सादरीकरण आयोजित किया गया था। स्वतंत्र वीर सावरकर जीवन चरित्र के सुविख्यात लेखक सुश्री विक्रम संपत जी से श्री अक्षय जोग जी की वार्तालाप एक अत्यंत उल्लेखनीय कार्यक्रम रहा। नासिक के महाकवि कालिदास नाट्य मंदिर में किए गए इस आयोजन को प्रेक्षकों का भरपूर प्रतिसाद रहा। राष्ट्र प्रति समर्पण निष्ठा तथा आदर भाव जागृति से निर्मित एक स्वस्थ समाज, यही उद्देश्य है आयाम नासिक का। अपने उचित प्रयास तथा कार्यक्रम आयोजन से एक सुशिक्षित सक्षम प्रेरित समाज गठित करने की उद्दिष्ट पथ पर चल पड़ा है आयाम नासिक। समाज के प्रति समर्पण भाव से हर कार्यक्रम की प्रस्तुति आयाम नासिक संस्था का उद्देश्य रहा है। दर्जात्मक कार्यक्रमों की अधिकाधिक प्रस्तुति के लिए आपका आर्थिक योगदान संस्था अपेक्षित करती है। धन्यवाद।